हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस पीओ मेंस एग्ज़ाम के कुछ रियल इंग्लिश क्वेश्चंस। और ये एग्ज़ाम 2017 में हुआ था, इसकी मदद से आपको आइडिया लगेगा कि बैंक पीओ मेंस एग्ज़ाम में किस तरह के इंग्लिश क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं, क्या नया पैटर्न है और किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो IBPS PO मेंस हो या SBI PO मेंस हो या बैंकिंग का कोई भी मेंस एग्ज़ाम हो, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है और ज़्यादातर स्टूडेंट रुकते हैं वो मेंस एग्ज़ाम में ही रुकते हैं। उसका रीज़न ये है कि उस स्टूडेंट्स को नया जो पैटर्न है, जो चेंजिंग पैटर्न है, उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं काफ़ी सारे इस YouTube चैनल पर अपलोड करूँगा, इंग्लिश एडवांटेज YouTube चैनल पर। तो इस पैटर्न को आप समझिए, बैंक का जो नया पैटर्न है, और उसकी मदद से आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी बैंकिंग एग्ज़ाम्स, पर्टिकुलरली मेंस एग्ज़ाम में। और आप इसको पास करके आसानी से आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, यहाँ पर एक ये क्वेश्चन दिया है, आप वर्ड्स का लेवल देख सकते हैं। बैंकिंग एग्ज़ाम्स में जो वर्ड पूछे जाते हैं वो इस तरह के पूछे जाते हैं कि जिनका लेवल काफ़ी हाई होता है। वो वर्ड्स या तो हिंदू न्यूज़पेपर में से लिए जाते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स में से लिए जाते हैं, और उनका लेवल जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए दो वर्ड आते हैं सिनोनिम के और दो वर्ड आते हैं एंटोनिम्स के मेंस एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फाइव ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। बेस्ट एक्सप्रेसेस मतलब इसका आपको सिनोनिम बताना है। इंडियरमेंट का क्या मतलब होता है, इंडियरमेंट का मतलब होता है किसी को डियर बना लेना, बहुत प्यारा बना लेना, ठीक है, इंडियरमेंट। तो इससे मिलता जुलता वर्ड तो इसमें नहीं है, डैमेज है, इंड्यूरेंस है, क्लियर है, टेंडरनेस है, डेवलपमेंट है। तो टेंडरनेस इससे मिलता जुलता वर्ड है, क्योंकि टेंडरनेस का मतलब भी कोमलता होता है, वैसे सॉफ्टनेस होता है, लेकिन इंडियरमेंट से ये काफ़ी करीब है उस सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शंस के हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। अब देखिए, वर्ब एक ये वर्ड पूछा गया है और ये सारे रियल क्वेश्चन हैं। देखिए, एलिमिनेट करके भी आप आंसर्स तक पहुँच सकते हैं। जैसे वोरेसिटी का अर्थ होता है लालच, वोरेसिटी। इरोनियस मतलब जो जिसमें फॉल्ट है या मिस्टेक है। तो वर्ब का मतलब होता है वाइटेलिटी, जीवंतता, ठीक है, लाइफ या एक्साइटमेंट, उसको हम बोलते हैं वर्ब। और इसके अकॉर्डिंग इसका जो सिनोनिम होना चाहिए वो होगा वायंसी। वायंसी का मतलब भी वही होता है कि एक व्यक्ति के अंदर वाइटेलिटी है, लाइफ है, एक्साइटमेंट है, तो उस सेंस में इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं। तो वायंसी यहाँ पर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, एक ये वर्ड है, ये वर्ड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था अपनी लास्ट जो मैंने वोकैबुलरी की क्लास अपलोड की थी उसमें, इस वर्ड को मैंने अपलोड किया था, फल्मिनेशन। और फल्मिनेशन का अर्थ होता है प्रोटेस्ट या क्रिटिसिज्म, आप इसको बोल सकते हैं फल्मिनेशन को, ठीक है। तो ये एक अच्छा वर्ड है, और यदि आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं तो आप किसी व्यक्ति को क्या करेंगे, प्रेज करेंगे या कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। डायट्राइब, ये वर्ड भी मैंने एक्सप्लेन किया था, इसका मतलब होता है वर्बल अटैक। और डिनन्सिएशन का मतलब होता है छोड़ देना। डिनन्सिएशन का मतलब भी क्रिटिसिज्म होता है, रेनन्सिएशन होता है एक्चुअली, वो डिनाउंस कर देना, ठीक है, डिनाउंस का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। तो यहाँ पर इसका सही जो एंटोनिम होगा, यहाँ पर देखिए एंटोनिम पूछा गया है, अपोजिट वर्ड आपसे पूछा गया है, तो इसका अपोजिट जो होगा वो होगा डी। तो आप देख सकते हैं वर्ड्स का लेवल क्या है, काफ़ी हाई लेवल के वर्ड्स पूछे जाते हैं बैंक पीओ मेंस एग्जाम में। सेबोट्यूअर, सेबोट्यूअर हम एक ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे जो सेबोटाज करता है, जो किसी भी चीज़ को, किसी भी संस्था को डिस्ट्रॉय करता है, उसको हम बोलते हैं सेबोट्यूअर। तो सेबोट्यूअर का सिनोनिम एडवर्सरी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया है, अपोजिट वर्ड पूछा गया है, तो एंटोनिम होगा इसका एलाय। एलाय का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं जो आपका साथ देता है, ठीक है, जो आपको सपोर्ट करता है, उसको हम एलाय बोलते हैं, और इसी से एक वर्ड बना है अलायंस। तो यहाँ पर इसका एंटोनिम होगा ई। तो आप देख सकते हैं कि वर्ड्स का लेवल क्या है, किस तरह के वर्ड्स बैंक पीओ मेंस एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। और ये है आपका एक क्लोज टेस्ट, ये नए पैटर्न का क्लोज टेस्ट है, और इसमें आप देख सकते हैं, इसको मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा।
और इसमें देखिए एक ऑप्शन की जगह यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं, पहले में दिया है कैनोनिकल फिटिंग, दूसरे में दिया है कस्टमरी बोनाफाइड। और आपको इन ऑप्शंस में इस तरह के वर्ड्स को फिल करना है कि दोनों में से कोई सा भी एक वर्ड वहाँ पर फिट हो सके, यानी दोनों ही वर्ड वहाँ पर फिट हो सके, यानी दोनों वर्ड में से कोई सा भी वर्ड आप वहाँ पर लगाएं तो वो उसका मीनिंग जो निकले वो करेक्ट हो, ये आपको इस पैराग्राफ में करना है। जैसे इसमें जो ऑप्शन दिया है कैनोनिकल और फिटिंग, यदि आपको ए ऑप्शन चुनना है तो कैनोनिकल भी वहाँ पर फिट होना चाहिए और फिटिंग भी वहाँ पर फिट होना चाहिए, ठीक है, मतलब दोनों ही वर्ड वहाँ पर सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही सही फिट होने चाहिए। तो ये एक नए पैटर्न का क्लोज टेस्ट है और मेंस एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस वीडियो क्लासेस के फॉर्म में मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और सारे वीडियोज़ इसके देखें। तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, व्हाइल द पद्मावती इशू रेजेज ऑन इट इज़ इंस्ट्रक्टिव टू ऑब्जर्व हाउ लिटिल बाई वे ऑफ रिएक्शन बाय द गवर्नमेंट हैज़ बीन फोर्थकमिंग। देखिए पद्मावती इशू के बारे में सभी को पता है कि काफ़ी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और काफ़ी सारे लोगों ने धमकी दी थी कि हम इसको बैन कर देंगे, इसको डिस्प्ले नहीं करने देंगे, पोस्टर वगैरह फाड़ दिए थे, ये सभी लोगों को पता है, न्यूज़ में आया था ये। तो उसी के बारे में पूरा पैराग्राफ है। व्हाइल द पद्मावती इशू रेजेज ऑन, मतलब जिस समय पद्मावती का जो इशू है वो आग उगल रहा है, रेजेज ऑन मतलब जो भड़क रहा है, ठीक है, एक बर्निंग इशू बन गया है, रेजेज ऑन का मतलब है कि वो एक बर्निंग इशू बन गया है और पूरे देश में भड़क चुका है, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं रेजेज ऑन, RAGES ऑन, रेजेज ऑन। व्हाइल द पद्मावती इशू रेजेज ऑन इट्स इंस्ट्रक्टिव टू ऑब्जर्व हाउ लिटिल, मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जिस समय पद्मावती का इशू चल रहा है उस समय इट इज़ इंस्ट्रक्टिव टू ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व करना इंस्ट्रक्टिव है यानी शिक्षाप्रद है, इसको यदि आप ऑब्जर्व करें तो आपको ये चीज़ें पता पड़ेंगी। इट इज़ इंस्ट्रक्टिव टू ऑब्जर्व हाउ लिटिल बाय वे ऑफ रिएक्शन बाय द गवर्नमेंट हैज़ बीन फोर्थकमिंग, मतलब गवर्नमेंट का जो रिएक्शन रहा है इस बारे में वो काफ़ी कम रहा है, हाउ लिटिल बाय वे ऑफ एन रिएक्शन बाय द गवर्नमेंट हैज़ बीन फोर्थकमिंग, मतलब गवर्नमेंट ने कोई सही डिसीजन इस बारे में नहीं लिया है या गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो उतना ज़्यादा इन्वॉल्विंग नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये सेंटेंस बोलने की कोशिश कर रहा है तो फर्स्ट में हम क्या लगाएंगे, चूँकि यहाँ पर गवर्नमेंट की बात हो रही है और गवर्नमेंट जो रिएक्शन देती है वो अथॉरिटेटिव हो सकता है या ऑफिशियल हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर हो सकता है आपका वो होगा अथॉरिटेटिव या ऑफिशियल, ठीक है, क्योंकि जो रिएक्शन होगा वो बोनाफाइड नहीं होता या स्टाउट नहीं होता या पैरामाउंट नहीं होता या फिटिंग रिएक्शन नहीं होता, फिटिंग रिप्लाई होता है, फिटिंग रिएक्शन नहीं होता, लेकिन ऑफिशियल रिएक्शन हो सकता है या अथॉरिटेटिव रिएक्शन हो सकता है, और अथॉरिटेटिव और ऑफिशियल गवर्नमेंट के साथ सूटेबली जा सकते हैं दोनों वर्ड्स। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा अथॉरिटेटिव और ऑफिशियल, यानी डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, हाउ लिटिल बाई वे ऑफ ऑफिशियल और अथॉरिटेटिव रिएक्शन बाय द गवर्नमेंट हैज़ बीन फोर्थकमिंग, मतलब गवर्नमेंट का जो रिएक्शन रहा है वो काफ़ी कम रहा है, वो फोर्थकमिंग नहीं रहा है इन द फेस ऑफ पब्लिक। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मेड इन द फुल ग्लेयर ऑफ नेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया में जो पब्लिक के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पब्लिक के जो थ्रेट हो रहे हैं उसको देखते हुए, इन द फेस ऑफ मतलब उसके सामने, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट से रिलेटेड एक वर्ड चाहिए आपको, तो यहाँ पर देखिए प्रोटेस्ट से रिलेटेड जो वर्ड है वो बी ऑप्शन में दिया है, ठीक है, तो थ्रेट्स, जैसे यहाँ पर देखिए क्या आ सकता है, इन द फेस ऑफ पब्लिक, पब्लिक अपील तो हम बोलेंगे नहीं, पब्लिक डिमांड्स हम नहीं बोलेंगे, पब्लिक थ्रेट्स बोल सकते हैं, क्योंकि पब्लिक ने पद्मावती इशू के लिए धमकियाँ दी थी कि यदि आपने इसको शो किया तो हम थिएटर जला देंगे और इस तरह के सारे स्टेटमेंट्स दिए थे, तो यहाँ पर अपील कहना सही नहीं होगा, देखिए अपील और डिमांड कहना, पब्लिक की डिमांड नहीं थी या पब्लिक ने थ्रेट और प्रोटेस्ट किए थे, तो थ्रेट वर्ड इसमें दिया है और उसी से मिलता जुलता वर्ड प्रीसेज इसमें दिया है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं ऑप्शन बी, ठीक है, इन द फेस ऑफ पब्लिक थ्रेट्स मेड इन द फुल ग्लेयर ऑफ नेशनल मीडिया बाय दोज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द फिल्म एज वेल एज लीडर ऑफ इट्स ओन पार्टी,
ठीक है, द गवर्नमेंट हैज ऑफर्ड नो सब्सटेंसिव कमेंट या कमेंट, गवर्नमेंट ने इसमें कोई कमेंट अपना नहीं दिया है, कोई सब्सटेंटिव कमेंट नहीं दिया है. सब्सटेंटिव का मतलब है कोई कोई ऑथेंटिक या जस्टिफाइड कमेंट नहीं दिया है. तो आप देख सकते हैं कि क्या लेवल है इसका और कितना कठिन है ये, लेकिन उसके बावजूद भी क्वेश्चंस को किया जा सकता है. इंस्टेड सेवरल स्टेट्स हैव एक्टेड बाय बैनिंग द फिल्म विदाउट हैविंग सीन इट. मतलब यहाँ पर भी हम यही बता रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टेट्स ने इस तरीके से एक्ट किया है, फिल्म को बैन कर दिया है लेकिन उसको देखा नहीं है. मतलब उनका जो रिस्पॉन्स है वो सही नहीं है, उनका इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं है जितना होना चाहिए. तो इंस्टेड सेवरल स्टेट्स हैव एक्टेड बाय बैनिंग द फिल्म विदाउट हैविंग सीन इट एट ए टाइम व्हेन ए कमेंट ऑन सोशल मीडिया कैन गेट यंग पीपल इनटू जेल. द पीपल मेकिंग द वेरी ग्रूशम थ्रेट्स अगेंस्ट सम वेल लाइक्ड पब्लिक फिगर हैव फेस्ड. देखिए इसमें हम क्या बोल रहे हैं, इसमें हम ये बोल रहे हैं कि इस समय जो टाइम है वो सोशल मीडिया का टाइम है और सोशल मीडिया पर आप कुछ कमेंट कर सकते हैं तो उसकी वजह से आपको जेल हो सकती है. उस टाइम का एक टाइम इस समय चल रहा है. द पीपल मेकिंग द वेरी ग्रूशम थ्रेट्स, मतलब लोगों ने ग्रूशम थ्रेट का मतलब क्या है, यहाँ पर ग्रूशम थ्रेट का मतलब है कि काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि यदि आपने इस फिल्म को शो किया तो हम दीपिका पादुकोण को चेहरे पर तेजाब डाल देंगे और उनको काम नहीं करने देंगे, इस तरह के इसके लिए ये वर्ड आया है ग्रूसम थ्रेट्स. ठीक है, अगेंस्ट सम वेल लाइक्ड पब्लिक फिगर. वेल लाइक्ड पब्लिक फिगर कौन है, जैसे दीपिका पादुकोण हैं और इसके जो स्टार्स हैं उनके लिए ये बोला गया है वेल लाइक्ड पब्लिक फिगर. ठीक है, और यहाँ पर बोला है द पीपल मेकिंग द वेरी ग्रूसम थ्रेट्स अगेंस्ट सम वेल लाइक पब्लिक फिगर हैव फेस्ड नो. अब यहाँ पर क्या वर्ड चाहिए आपको, यहाँ पर एक ऐसा वर्ड चाहिए, इसमें यह बोला जा रहा है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ग्रूसम थ्रेट्स दे रहे हैं फिल्म स्टार्स को, उनके खिलाफ गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है. तो यहाँ पर एक्शन से रिलेटेड एक वर्ड आपको चाहिए और एक्शन से रिलेटेड वर्ड आपका ई में दिया है, नेगेशन और एक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर आपका 17 में जो वर्ड आएगा वो आएगा ई, नेगेशन और एक्शन. ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं. दिस हैज़ ऑलरेडी इन्वाइटेड मच क्रिटिसिज्म ऑन सोशल मीडिया. सोशल मीडिया में इस चीज़ की बुराई हुई है, क्रिटिसाइज किया गया है. दिस हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिटिसाइज ऑन सोशल मीडिया, बट वॉट इज हाउ इजी इट इज़ फॉर द स्टेट टू इग्नोर द क्रिटिक्स एंड गो अबाउट इट्स बिजनेस अनअफेक्टेड. क्या मतलब निकल रहा है इसका, इसका मतलब ये निकल रहा है कि इस चीज़ की सोशल मीडिया पर बहुत बुराई की गई है कि फिल्म स्टार्स को जो थ्रेट दिए जा रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक चीज़ क्या है. यहाँ पर आपको एक ऐसा वर्ड चाहिए जो आश्चर्यजनक के इक्विवेलेंट हो, लेकिन इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक ये है कि हाउ इजी इट इज़ फॉर द स्टेट, मतलब स्टेट के लिए यानी गवर्नमेंट के लिए कितना ईजी रहा है कि वो क्रिटिक्स को इग्नोर कर रहे हैं और अपने बिजनेस को अनअफेक्टेड तरीके से चला रहे हैं. तो 18 में देखिए क्या क्या वर्ड चाहिए आपको, आपको एस्टोनिशिंग या सरप्राइजिंग के इक्विवेलेंट वर्ड चाहिए, और सरप्राइजिंग के इक्विवेलेंट वर्ड जो है वो ए में दिया है, स्ट्राइकिंग और स्टार्टलिंग. ठीक है, स्ट्राइकिंग का मतलब भी वही होता है, स्टार्टलिंग का मतलब भी वही होता है कि आश्चर्यचकित करने वाला. तो इसलिए 18 में यहाँ पर आप व्हाट इज Striking is how easy it is for the state to ignore the critics and go about its business unaffected. ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है. आगे पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी वर्क्स बाई क्रिएटिंग सेवरल. देखिए जैसे ही सेवरल वर्ड आया उसका मतलब है कि यहाँ पर आपको एक countable noun चाहिए. ऑफ oversight, oversight का मतलब एक तो mistake भी होता है oversight का मतलब, और supervision भी होता है oversight का मतलब. ठीक है, तो डेमोक्रेसी किस तरीके से काम करती है, डेमोक्रेसी में अलग अलग लेयर्स होती हैं, पूरी स्टेट में पूरी गवर्नमेंट में अलग अलग लेयर्स होती हैं, वो अलग अलग लेयर्स की वजह से ही वो गवर्नमेंट जो बनती है वो अकाउंटेबल बनती है. ठीक है, जैसे मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको पार्लियामेंट के प्रति वो अकाउंटेबल होते हैं, उनको जवाब देना होता है, और पार्लियामेंट जो होती है वो पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होती है क्योंकि पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव उसमें बैठते हैं. तो 19 में आपका क्या आएगा, डेमोक्रेसी वर्क बाई क्रिएटिंग सेवरल. यहाँ पर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि जो जिसमें आप ये बताएं कि उसमें उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं. अब यहाँ पर ये दिया है कि द अपोजिशन, द लेजिस्लेटिव, द ज्यूडिशरी, द ब्यूरोक्रेसी, द मीडिया इंक्लूडिंग सोशल मीडिया एंड फाइनली द इलेक्टोरेट आर सम ऑफ द मैकेनिज्म बाई विच अ रिजीम, रिजीम मतलब शासन, बिकम्स.
तो डेमोक्रेसी वर्क बाय क्रिएटिंग सेवरल स्ट्रेटा, वर्ड आएगा यहाँ पर, मतलब सेवरल लेयर्स, जैसे सेवरल स्ट्रेटा और सेवरल लेयर्स ये दिए हैं। तो डेमोक्रेसी वर्क बाय क्रिएटिंग सेवरल स्ट्रेटा ऑफ ओवरसाइट, ओवरसाइट मतलब सुपरविजन के, उसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं, ईच एक्टिंग इन ए स्पेसिफिक वे। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लेजिस्लेटिव जो होता है वो जुडिशरी से अलग होता है, ब्यूरोक्रेसी अलग होती है, और सारे लोग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। लेजिस्लेटिव का मतलब हुआ पार्लियामेंट, एक होता है जुडिशरी जिसमें सारे हाई कोर्ट्स आते हैं, और एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव जिसमें सारे मिनिस्टर्स आते हैं। तो ये तीनों लोग जो होते हैं ये गवर्नमेंट को बनाते हैं और इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, ये अलग अलग लेयर्स हैं, लेजिस्लेटिव हुआ, जुडिशरी हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ, ये अलग अलग लेयर्स हैं और तीनों ही ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रेटा और लेयर्स वर्ड इसमें आएगा। बाई विच ए रिजीम बिकम, लेकिन इन चीज़ों के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है वो कैसी बन जाती है, वो गवर्नमेंट अकाउंटेबल बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 20 में जो आंसर होगा वो होगा अकाउंटेबल। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। इसमें मैंने 9 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हैं, और ये सारे बैंक पीओ मेंस एग्ज़ाम के हैं, और क्वेश्चंस को किया जा सकता है, काफ़ी अच्छा स्कोर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इस तरह के वीडियो क्लासेस मैं और भी अपलोड करूँगा इस चैनल पर, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के और मेंस एग्ज़ाम के, पर्टिकुलरली क्लर्क के मेंस एग्ज़ाम के और बैंक पीओ के मेंस एग्ज़ाम के जो रियल क्वेश्चंस हैं वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में अपलोड करूँगा इस चैनल पर, जिसकी मदद से आपको हेल्प मिलेगी और आप अपना बैंक पीओ का एग्ज़ाम आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।